हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आईयूपीएससी के एग्जाम्पल्स, आईयूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले हमने देखें तो यहाँ पे दो कार्बन हमें दिखाई देते हैं, तो मैथ और एथ, मैथ एथ, तो लिखेंगे इंग्लिश में नाम ई टी एच एथ, और इन दोनों के बीच कितने बंद बने हुए, एक बंद से बने हुए, तो एक बंद के लिए एन लगाएंगे, तो मैथेन, मैं नाम हमेशा इंग्लिश में लिखने, तो एथेन, एथेन इसका नाम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका नाम क्या होगा। एक दो तीन कार्बन हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे सबसे पहले पी आर ओ पी प्रोप। दो कार्बन की संख्या देखते हैं, कार्बन में इसमें क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि इसको प्रोप कैसे दिया, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन हो गए तो मैथ एथ और प्रोप बोलेंगे, तो प्रोप तीन कार्बन है तो प्रोप लिख दिया। अब ये तीनों एक एक बंद से जुड़े हुए हैं तो एन लगा देंगे, तो ए एन ई प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हुआ प्रोपेन। ये तो कितने हुए, कार्बन की संख्या तीन है तो प्रोप आ गया, एक बंद से बने हुए तो एन आ गया। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, इसके अंदर दो कार्बन है एक और दो, तो क्या मैथ और एथ, तो ई टी एच एथ, लेकिन ये दोनों कार्बन दो बॉन्ड से बने हुए तो दो बॉन्ड के लिए इन लगा देंगे, तो इथीन ई टी एच ई एन इथीन, यानी दो कार्बन दो बंद है तो इन लगा दिया। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, सबसे पहले कार्बन की संख्या एक दो तीन चार, चार कार्बन, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट आया तो लिखेंगे बी यू टी ब्यूट, कितने बंद है सबके बीच, एक बंद इसमें भी एक बंद इसमें भी, तो एक एक बंद है तो एन लगा देंगे, तो ए एन ई एन ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया ब्यूट और एन, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, चार कार्बन तो ब्यूट और एन एक एक बंद से बने हुए तो एन, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन, इसके अंदर दो कार्बन है लेकिन ये तीन बंद से बने हुए हैं, तो मैथ और एथ, तो ई टी एच एथ, लेकिन अब क्या लगाएंगे तीन बंद के लिए, वाई एन वाई एन ई एन इथाइन, तो ई आइन, आइन लगा दे तीन बंद को बोल दे आइन, तो इथाइन इसका नाम क्या हो रहा इथाइन। अगली वीडियो में हम करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो आपका माइंड की जो समझने की क्षमता है वो और बढ़ाएंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर।